अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट बाय मुसम्मिल। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो वेक्टर स्पेस मॉडल एल्गोरिथम है। वेक्टर स्पेस मॉडल जो है वो बहुत ही कॉमनली यूज्ड एल्गोरिथम है डेटा माइनिंग के अंदर। इसको कोसाइन सिमिलरिटी मेथड भी कहते हैं और TF-IDF भी कहते हैं। ये बेसिकली टेक्स्ट एनालिसिस के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इसका इंट्रोडक्शन करें तो हमारे पास ये जो मॉडल है ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज हो रहा होता है। अब इस मॉडल को क्या हम बाकी डोमेन्स के लिए यूज कर सकते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आपको एंड पे करूंगा। ठीक है, अब इट इज यूज्ड इन एप्लीकेशंस। ये किस किस एप्लीकेशंस में यूज होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, वो नीचे यहाँ पे लिस्ट हुई हुई है। सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशन है वो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, या IR। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद प्लेजरिज्म डिटेक्शन है। प्लेजरिज्म डिटेक्शन में हम क्या करते हैं, जब हमने किसी डॉक्यूमेंट में प्लेजरिज्म चेक करना हो, ठीक है। उसके बाद टॉपिक बेस्ड सर्च है, अगर हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई सर्च करनी है तो उसका है ये। उसके बाद एक्सपर्ट एडवाइजर सर्च है कि हमने अगर कोई एक्सपर्ट सर्च करनी है, जैसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो गई, तो उसमें ये यूज होता है। उसके बाद बेसिकली ये मॉडल फॉर सर्चिंग क्यूरी बेस्ड रिजल्ट है कि हम इसमें कोई ना कोई क्यूरी करेंगे और ये हमें रिजल्ट्स देगा। डॉक्यूमेंट एंड क्यूरीज आर रिप्रेजेंटेड एज ए वेक्टर। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होंगे या जो क्यूरीज होंगी उनको वेक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर्स क्या होंगे, वो जैसे हम मैट्रिसेस पढ़ते थे उसके अंदर हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में, या 0, 1, 2, 3 इस तरह से हमारे पास एक सिंगल डायमेंशन या मल्टी डायमेंशनल हमारे पास वेक्टर्स होंगे। ठीक है, अब हम अगर थोड़ा सा मॉडल को समझें कि हमारे जो सर्च इंजन्स होते हैं या डेटाबेस के अंदर अगर हम कोई क्यूरी करते हैं तो कैसे आंसर की जाती है। सबसे पहले हमारे पास हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कि हमें हमारे पास कुछ नीड होती है इंफॉर्मेशन की, जिसकी बेस पर हम कोई ना कोई क्यूरी करते हैं। ठीक है, अब ये क्यूरी जो होती है वो किसी ना किसी एक मेथड के थ्रू उसकी क्या होती है, मैचिंग होती है बेसिकली। अब ये मैचिंग में एक तो यहां से क्यूरी आएगी और दूसरी क्या चीज आ रही है मैचिंग में, हमारे पास डेटाबेस के अंदर कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्स में से हम क्या करेंगे ना, उस जो हमारी क्यूरी होगी उसके साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिल जाएंगे, रैंक लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगी हमें। नेक्स्ट अगर हम आए तो हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस हैं इस मॉडल के, जो हमारे पास ये मॉडल जो है ये बहुत सिंपल है और लीनियर अलजेब्रा पे बेस कर रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, जो टर्म्स होंगे उनके वेट्स लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि हमारे पास ये बुलियन अलजेब्रा जो हमने पीछे मॉडल पढ़ा है बुलियन मॉडल, उसमें क्या था कि हम बाइनरी वेट्स लिखते थे 0 या 1, कि अगर वो उस डॉक्यूमेंट के अंदर अवेलेबल है तो 0, अगर सॉरी है तो 1 और नहीं है तो 0। लेकिन इसमें क्या होगा, उसकी जो अक्रंस होगी वो हम लिखेंगे कि वो कितनी मरतबा उस डॉक्यूमेंट के अंदर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल कौन सा है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। ठीक है, प्रोवाइड सिमिलैरिटी बिटवीन क्यूरीज एंड डॉक्यूमेंट्स, हमें ये करके देता है अलाउ रैंकिंग डॉक्यूमेंट्स, हमें ये डॉक्यूमेंट्स रैंक करके देता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट, और जो हमारे पास बुलियन मॉडल था वो बेसिकली हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे एग्जैक्ट मैच के थ्रू डॉक्यूमेंट्स हमें वापस कर देता था। लेकिन जो हमारे पास ये मॉडल है वेक्टर स्पेस मॉडल VSM मॉडल, ये हमें क्या करके दे रहा होता है, रैंक डॉक्यूमेंट दे रहा होता है। उसके बाद अलाउ पार्शियल मैचिंग, ठीक है, ये पार्शियल मैचिंग को भी अलाउ करता है। ठीक है, अब हमारे पास कोई चीजें हमने देखनी है यहां पे कि हमारे पास जो स्टोर वर्ड्स है, ठीक है, या स्ट्रीमिंग हो गई, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से देख सकते हैं। डू नॉट अकाउंट इनटू अकाउंट
where the terms occur in the document. अब ये आप नहीं देख रहे होते कि वो टर्म्स जो हैं वो कहाँ पे अकर हो रही हैं डॉक्यूमेंट के अंदर. जस्ट हमने क्या करना होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी देख रहे होते हैं. अब हमने क्या करना है, यूज ऑल टर्म इंक्लूडिंग वेरी कॉमन टर्म्स स्टॉप वर्ड्स. अब ये नहीं कि लाजमी नहीं है कि बीएसएम के लिए भी आप स्टॉप वर्ड्स रिमूव करें या स्टेमिंग आप करें. तो इसके लिए ये बहुत एक जबरदस्त पॉइंट है कि हमारे लिए बीएसएम के अंदर हमें स्टेमिंग या स्टॉप वर्ड्स रिमूवल की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो इस सारे जो प्रोसेस है इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे डेटाबेस के अंदर तीन किस्म के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 और डॉक्यूमेंट 3. और हमारी क्यूरी है गोल्ड सिल्वर ट्रक. अब हमारे पास हम देखेंगे कि जो हमारी क्यूरी है, फॉर एग्जाम्पल ये हम 3 नहीं कहते, हम कहते हैं कि 3 लैक्स डॉक्यूमेंट है और ये क्यूरी कर रहे हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स के साथ क्यूरी की क्या रेलेवेंसी है और ये डॉक्यूमेंट कैसे रिएक्ट होंगे. ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको वीएसएम के थ्रू करके दिखाता हूं वेक्टर स्पेस मॉडल के थ्रू. सबसे पहले हम क्या, कुछ जो हमारे पास वीएसएम उसको पढ़ने से पहले कुछ हमें टर्म्स का पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है कि नंबर ऑफ अ टर्म अकर इन डॉक्यूमेंट. कि एक जो स्पेसिफिक टर्म है, एक जो स्पेसिफिक वर्ड है, वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी मरतबा आया है. ठीक है, आपने देखना है कि एक टर्म, अब यहां पे खास ख्याल करना है कि नंबर ऑफ टाइम अ टर्म अकर्ड इन डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, टर्म की बात हो रही है. नंबर 2 है नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन विच अ टर्म अकर. ठीक है, वहां पे टर्म की बात हो रही थी, इधर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कि कितने डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो टर्म अकर हुई है. ठीक है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, उसके बाद आईडी है, क्या होगा, लॉग डी ओवर डी एफ है, सॉरी. ठीक है, डी आई के बजाय यहां पे डी एफ है. तो हमारे पास ये फार्मूला है हमारे पास फाइंड करने का, ये मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं सारे फार्मूले को. ठीक है, अब जो हमारे पास ये टी है इसको हम कहते हैं टर्म फ्रीक्वेंसी, कि एक जो टर्म है वो एक डॉक्यूमेंट में कितनी मरतबा आई है. उसके बाद नंबर 2 है डी, जिसको मैंने कहा है डी एफ जैसे हम बोलेंगे, वो है बेसिकली डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, कि एक जो टर्म है वो कितने डॉक्यूमेंट्स में आई है, एक टर्म कितने डॉक्यूमेंट कितनी मरतबा एक डॉक्यूमेंट में आई है, 8 डॉक्यूमेंट है. और जहां पे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें वो टर्म आई है, ये आप मजीद मैं आपको समझाता हूं जब मैं उस पिछली एग्जांपल को कैरी करूंगा. तो उसके बाद इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है आईडीएफ, जिसका ये फार्मूला है लॉग डी ओवर डी आई. अब हमारे पास वही एग्जांपल है कि हमारे पास क्यूरी है गोल्ड सिल्वर ट्रक और हमारे पास डी 1 डी 2 और डी 3 हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं और हमने क्या करना है इनमें से फाइंड करनी है सिमिलैरिटी, कि ये जो क्यूरी है किस डॉक्यूमेंट से ज्यादा सिमिलर है. क्योंकि अगर वर्ड्स देखें तो शिपमेंट ऑफ गोल्ड डैमेज इन अ फायर, गोल्ड इसमें आ रहा है. ठीक है, डिलीवरी ऑफ सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर आ रहा है. ठीक है, अराइव इन अ सिल्वर ट्रक, अब यहाँ पे ट्रक भी आ गया, सिल्वर भी आ गया. शिपमेंट ऑफ गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड आया है लव्स. ठीक है, जहां पे गोल्ड था और ट्रक आया है, तो अब हमने नहीं समझ आ रहा कि ये किसके साथ ज्यादा रिलेट कर रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है जिसके थ्रू हम ये फाइंड करेंगे उसकी सिमिलैरिटी. सबसे पहले जो टी एफ आई डी एफ है उसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारा डी क्या है और आई डी एफ का फार्मूला क्या है. अब हमारे पास डी जो है ये 3 हमने क्यों लिखा है, ये बेसिकली नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट है. अब हमारे पास इसमें 3 डॉक्यूमेंट है तो हम कहेंगे हमारा डी कितना है, 3 है. और आईडीएफ का फॉर्मूला है लॉग डी, लॉग डी ओवर डी एफ आई. ठीक है, अब हमारे पास जितनी भी टर्म्स होंगी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, जितनी भी टर्म्स होंगी हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, हम उनको एक मरतबा टर्म्स की सूरत में लिख लेंगे. ठीक है, किसी भी टर्म को दो मरतबा नहीं लिखना, हर टर्म को एक एक मरतबा लिखना है. इसे हम कहते हैं वेक्टराइजेशन और सॉरी टोकनाइजेशन. हमने ये टोकनाइजेशन के जरिए हमें ये टर्म्स हैं वो मिल जाते हैं. सारी टर्म्स जो हैं हमने यहाँ पे लिख ली हैं.
सबसे पहले यहाँ पे करेंगे हमने, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉलम में पहले लिखना है क्यूरी, नंबर वन डॉक्यूमेंट, नंबर टू डॉक्यूमेंट और नंबर थ्री डॉक्यूमेंट। अब हमारे पास ये जो नंबर्स हैं ये टर्न फ्रीक्वेंसी है कि एक जो ए है वो क्यूरी में कितनी मरतबा है, डॉक्यूमेंट वन में कितनी मरतबा है, डॉक्यूमेंट थ्री में टू में कितनी मरतबा है, डॉक्यूमेंट थ्री में कितनी मरतबा है। इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आपने सारा जो आपका प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। कैसे करना है, टी एफ आई क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास एक जो टर्म है वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी मरतबा आई है। ठीक है, हमारे पास तीन डॉक्यूमेंट है और एक क्यूरी है, हमारे पास बेसिकली तीन चार डॉक्यूमेंट हो गए। तो क्यूरी के अंदर ए देखे तो नहीं है, ठीक है। अब एक इसके अंदर है, हम देखेंगे इसके अंदर कितनी मरतबा है, एक मरतबा। ठीक है, अब इसके अंदर सेकंड डॉक्यूमेंट के अंदर देखेंगे तो ये एक मरतबा, और थर्ड में देखेंगे तो एक मरतबा। हम बात करें तो अराइव देखें तो पहले में अराइव नहीं है, दूसरे में शिपमेंट ऑफ गोल्ड और इसमें भी नहीं है, डिलीवरी ऑफ अराइव यहाँ पे एक मरतबा यहाँ पे आ गया। अब हमने लिख लिया ये वन, अब यहाँ पे हमारे पास कितना आया है, एक मरतबा आया, हमने लिख लिया। ठीक है, ये हम इसी तरह चलते आएंगे। अब अगर हमने नीचे की एग्जांपल है सिल्वर की, तो पहले क्यूरी में देखे तो सिल्वर यहाँ पे है, हम लिख लेंगे वन। ठीक है, हम देखेंगे किसके अंदर सिल्वर है, नहीं है, हम देखेंगे जीरो अगर नहीं है तो। अब अगर हम देखेंगे तो डी टू के अंदर, तो यहाँ पे सिल्वर एक मरतबा पड़ा और यहाँ पे सिल्वर एक सेकंड दो मरतबा पड़ा है। अब यहाँ पे अगर बुलियन मॉडल होता, ठीक है, तो हम क्या करते, यहाँ पे हम लिखते वन, क्योंकि अगर उसमें प्रेजेंस होती है तो हम वन लिखते हैं, नहीं तो जीरो लिखते हैं। अब प्रेजेंस तो है लेकिन यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को भी मेजर देखा है कि वो दो मरतबा आया है, तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया है, टू लिख दिया है। इसी तरह ये हमारा जो पहला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ये इस चीज की आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड चीज, ये तो हमने मालूम कर लिए। अब हमारे पास क्या होगा, हमने डी एफ आई देखना है। डी एफ आई हमारे पास बेसिकली क्या है, फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, कि कितने डॉक्यूमेंट्स में वर्ड्स आया है। हमने कहा है कि एक दो तीन, तीन में आया है वर्ड तो हमने लिख दिया थ्री, दो डॉक्यूमेंट वर्ड्स में आया, डॉक्यूमेंट्स में आया है वर्ड तो हमने लिख दिया टू, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आया तो हमने लिख दिया वन, अगर किसी में नहीं एक में आया तो हमने वन लिखा। इसी तरह जिस में जितनी उसकी होगी, फॉर एग्जाम्पल तीन डॉक्यूमेंट्स में हमने तीन लिख दिया, तो ये हमारा ये वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हमने क्या मालूम करना है, डी ओवर डी एफ आई। इसको कैसे मालूम करना है, हमारे पास डी हमें पहले से मालूम है थ्री, और डी एफ आई हमने अभी मालूम किया है, तो इसको सिंपल डिवाइड करते आएंगे तो हमारा डी ओवर डी एफ। उसके बाद आईडीएफ हमने मालूम किया है, आईडीएफ हमारे पास क्या है, लॉ, और यही जो चीज हमने अभी फाइंड किया है यहां पे। ठीक है, अब हमारे पास लॉ, इस चीज का लॉग लेते आएंगे तो हमारे पास वैल्यूज निकलती आएंगी, ये हम वैल्यूज निकाल लेंगे। अब इतने तक अगर आपको समझ आ गया है तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास अब हमने क्या करना है, वेट्स देने हैं। वेट्स हम कैसे देंगे, बेसिकली हम इस क्यू को, इस यहां पे देखिए ना, टी एफ वेट्स कैसे असाइन करेंगे, टी एफ आई, टी एफ आई क्या होती, ये चीज मल्टीप्लाई बाय आई डी एफ, ये वेट्स का फार्मूला है, टी एफ वी आई इज इक्वल टू टी एफ आई मल्टीप्लाई बाय आई डी एफ। अब टी एफ आई क्या है, ये हमारे पास आ गया, उसके बाद आई डी एफ क्या है, ये चीज आ गई। तो बेसिकली हमने अगर क्यू के लिए, क्यूरी के लिए करना है तो इस जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे इस टी एफ के साथ, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो तो क्या आ जाएगा, जीरो। यहां पे ये सारे जीरो हैं तो इसकी जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे जीरो होता जाएगा। यहां पे वन आया है तो वन ने अगर मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ है तो क्या आ गया है, यहां पे देखे ना 0.176 मंथ, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया है वन से तो हमारे पास यही वैल्यू आई है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्यू का वेट आ गया। इसी तरह आपने सारे डॉक्यूमेंट्स के वेट्स मालूम कर देने हैं। कैसे मालूम करने हैं, फॉर एग्जाम्पल डी आई का मालूम कर रहे हैं तो जी भी जो डी आई वाला पार्ट होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ।
ठीक है, मल्टीप्लाई करते आएंगे तो हमारे पास वैल्यू आती जाएंगी। जब आपने हर डॉक्यूमेंट के अंदर हर वर्ड का वेट मालूम कर लिया है तो उसके बाद हम जहां तक आपको समझ आ गए तो हम आगे आप चलते हैं। अब हमारे पास हर डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो वेट आ गए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास डी आई है, डी आई में क्या करेंगे, डी आई के अंदर जितने हमारे पास वैल्यूज थी, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, उनको पावर टू करके प्लस करते आ जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली डिस्टेंस का फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, जितनी भी इसमें टर्म्स होंगी, फॉर एग्जाम्पल डी आई में कितनी टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तीन टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इनके इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी फोर टर्म्स हैं तो इनको हम कैसे करेंगे, ये इधर देखें आप, यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4, वही 4 टर्म्स, उनको क्या करेंगे, इनका 2 का स्क्वायर लेंगे और उनको क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ये आया और इसकी वैल्यू फिर ये आ जाएगी। इस तरह हमारे पास हमने तीनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी क्या है, हमने मालूम कर लेना है डी आई। अब क्या करेंगे हम, जब हमारे पास डी आई आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सम करेंगे वेट्स का, ठीक है। कैसे सम करेंगे वेट्स का, ये बेसिकली वही फार्मूला लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला कि डी आई और ये हमारे पास, जैसे जब इनका ये हमने, क्योंकि ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये हमने वैल्यू मालूम कर ली है, उसके बाद आई क्यू कैसे मालूम करेंगे, ये फार्मूला लिखा हुआ है सेम उसी तरह, जितने भी हमारे पास क्यू के अंदर थे, क्यूरी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये अगर आप पिछली स्लाइड पे देखें तो एक क्यूरी के अंदर ये वैल्यू थी, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, इनका क्या हम करेंगे, इनका स्क्वायर लेके इनका ऊपर स्क्वायर रूट कर लेंगे, ये तीन वैल्यू इनका स्क्वायर लेके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब हमारे पास तीन ये वैल्यूज हैं और चौथी ये वैल्यू है हमारे पास, इन चार वैल्यूज को हम क्या करेंगे, अब आगे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले क्यू के साथ डी वन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस क्यू को डी टू से और इस क्यू को डी थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी एक वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए हमारी तीन वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या, ये इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है कि हमने उस जो सम था वेट्स का उसको मल्टीप्लाई किया है क्यू से। अब एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई जो हमने अभी तीन वैल्यूज मालूम की हैं, ठीक है, ये तीन वैल्यूज मालूम की हमने। उसके बाद हमारे पास क्यू की और ये डी वन, ये तो ये जो हमने, मैंने आपको कहा था कि हमने चार चीजें मालूम की है, ये 1, 2, ये 3 और ये 4, ये वही 4 चीजें हैं, इनको क्या कर देंगे, जो भी हमने वैल्यूज मालूम की है उन पे डिवाइड कर देंगे। जब उन पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। बेसिकली ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास कोसाइन सिमिलैरिटी की वैल्यूज हैं, कि एक जो क्यूरी है वो एक डॉक्यूमेंट 1 से कितना रिलेट कर रही है, जो क्यूरी है वो डॉक्यूमेंट 2 से कितना रिलेट कर रही है, जो क्यूरी है वो डॉक्यूमेंट 3 से कितना रिलेट कर रही है। जब ये सारी हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास सिमिलैरिटी आ जाएगी, इस सिमिलैरिटी के बेस पे हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट कैसे रैंक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल रैंकिंग कैसे करेंगे, ये रिजल्ट्स है हमारे पास। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो रैंक 1 पे है वो डॉक्यूमेंट 2 है, क्योंकि इसकी सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा है, जो रैंक 2 पे है वो डॉक्यूमेंट 3 है, उसकी सिमिलैरिटी उसके बाद कम, उससे कम है, और फिर जो डॉक्यूमेंट 1 है उसकी सिमिलैरिटी बिल्कुल कम है। तो इस तरह से हम इनकी रैंकिंग फाइंड करेंगे। जो हमारे पास सेंट्रल आइडिया है द डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट सिमिलैरिटी, हमारे पास जो क्यू है वो जो क्यूरी है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह रेलिवेंसी क्या है कि डी आई टू क्यू, कि हमने कंपेयर करना है बेसिकली क्यूरी को डॉक्यूमेंट आई, आई का मतलब है कि एक पूरा जो होल डॉक्यूमेंट होगा, डेटा सेट होगा, उसके अंदर जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आई बेसिकली उन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। अब कोसाइन सिमिलैरिटी हम कैसे फाइंड करने हैं, सिमिलैरिटी का फार्मूला ये होता है कि डी जे ओवर डी क्यू। अब डी जे क्या है हमारे पास, ये बेसिकली जो डेटा सेट की वैल्यूज है, और डी क्यू का मतलब है जो हमारे पास क्यूरी होती है, तो इसकी हमारे पास ये क्वेश्चन भी है, हम कैसे फाइंड करते हैं डी जे, इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट लेना है, और उसके नीचे यहाँ पर उनके जो वेक्टर्स होंगे उनको आपस में क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है। तो हमारे पास एक और हम एक्सरसाइज छोटी सी करते हैं कि अगर हमने कोसाइन सिमिलरिटी मालूम करनी हो दो वेक्टर्स के बीच में, तो हम कैसे करेंगे, हमारा वेक्टर 1 जो है वो भी 101 है और वेक्टर 2 जो है हमारा 110 है, ठीक है। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हम अपने फार्मूला में इसको पुट कर लेंगे। हमारे पास ऊपर हमने क्या करना है, सिंपल हमें डॉट प्रोडक्ट लेता है। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 0 को 0, इस 1 को इस 1 के साथ, इस 0 को इस 0 के साथ और इस 1 को इस 0 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। और नीचे हमने कैसे करना है, दोनों जो हमारे पास वेक्टर्स हैं उनका बेसिकली जैसे हमने पहले डिस्टेंस मालूम किया था 1 पावर 2 प्लस 0 पावर 2 और इनका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो हमारे पास ये आ जाएगी उनकी सिमिलैरिटी 0.5, ठीक है। यहाँ तक आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको ये जो वेक्टर स्पेस मॉडल है ये बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। आपने इस वीडियो को 1-2 मरतबा जरूर देखना है ताकि आपकी जो इसकी कैलकुलेशन है वो आपको समझ आ जाए, और इसको आपने प्रैक्टिस भी खुद करना है ताकि इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपके साथ हो जाए। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर इतने तक ही था, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और अपने जो कलीग्स हैं उसके साथ शेयर करना है ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।